मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग घूम करके आ चुके हैं और बहुत अच्छा था हमारा ट्रिप। आपने वीडियोस देखा ही होगा लास्ट टू डेज़ के, बहुत अच्छा ट्रिप था। बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के साईं बाबा के। मतलब मैं 3-4 बार पहले जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो दर्शन हुए वो बहुत अच्छे हुए। काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ रुक करके हाथ जोड़ करके खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था साईं बाबा को देख करके। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? साईं बाबा की कृपा से और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर 6000 मतलब 6000 हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे 6000 हो चुके हैं सब्सक्राइबर। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट से अगर आपका रहा, तो मैं बहुत जल्दी अब 10K भी कर लूँगी अपनी फैमिली को। मतलब आप लोग 10000 बहुत जल्दी मेरे फैमिली में जुड़ जाएंगे। तो बस इसी के साथ फिंगर क्रॉस करती हूँ और आशा रखती हूँ, क्योंकि जब आशा करूँगी, होप करूँगी, तभी वो पूरा होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है हलवा और पकौड़ी। बहुत दिन हो गए कि हम लोगों ने पकौड़ी वकौड़ी नहीं खाई है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो मम्मी सारी तैयारी कर रही हैं। चलिए चलते हैं किचन में और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपने आगे का दिन शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। ये जो हलवा बना है ये आटे का है। मतलब जो उस दिन हमारे घर में पूजा हुई थी तो पंजीरी बनी थी, तो वो पंजीरी रखी हुई थी, उसी को हम लोगों ने आटे का हलवा बना दिया है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बातें वातें करेंगे और फिर उसके बाद अपने लंच की तैयारी करेंगे। तो आज लंच में सोच रहे हैं बनाने के लिए सिंपल खाना, क्योंकि 2 दिन बाहर का खाना खा करके थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, बाहर का खाना आखिर बाहर का ही होता है और घर का खाना घर का ही, चाहे वो खिचड़ी ही क्यों ना बनी हो। लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं अरहर की दाल, मतलब कि दाल चावल रोटी सब्जी बनाएंगे, सिंपल खाना, तो बस वही है। और चलिए तो फिर फटाफट काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत घर की सफाई तो खैर हो चुकी है, बट जो थोड़ा बहुत बच्चे फैला देते हैं तो वो सब क्लीन कर देते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने आपको बताया था कि मैं शिरडी से कुछ सामान लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए, मैं लेकर के आई हूँ साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति और उनके कुछ कपड़े, मुकुट, और ये है साईं बाबा की तस्वीर जो कि मैं प्रसाद में सबको बांटूंगी। तो ये देखिए, ये मूर्ति मुझे बहुत सुंदर लगी। पहले भी मूर्ति थी मेरे पास जब मैं पहले अंधेरी वाले घर पर रहती थी। हाँ, मैं पहले यहाँ मुंबई में अंधेरी में रहती थी। तो हम लोग जब शिप पर जा रहे थे तो पैकिंग के टाइम मेरी मूर्ति खंडित
हो गई थी तो वो मैंने हटा दी थी, और ये मूर्ति मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ में मिली है और बहुत ही सुंदर सी छोटी सी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेस भी ली है साईं बाबा के लिए, मुकुट लिया है ब्लू कलर का लिया है, और मुझे बहुत सुंदर लगा। ये मुकुट भी सिर्फ 10 रुपीज़ का है, और साईं बाबा के जो ये कपड़े हैं बहुत ही अच्छे सिले सिलाए कपड़े हैं और बहुत अच्छे स्टाइल में भी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दुपट्टा आप ऊपर से पहना दीजिए, ये देखिए यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है, आप बढ़िया से साईं बाबा को कपड़े पहना करके बंद कर सकते हैं जिससे कि वो खुलें भी ना। और ये ड्रेस भी उनकी सिर्फ 10 रुपीज़ की है, और इनके ऊपर मतलब ये ड्रेस के ऊपर एक जैसे साईं बाबा सर पे बांधते थे ना कपड़ा, तो वो देखिए इस ये है वो कपड़ा जो कि सर पे बांधते थे, पर ये थोड़ा सा ढीला आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने ब्लू कलर का मुकुट लिया है वही मैं अभी साईं बाबा को पहना दूँगी। मैं पहना के ट्राई तो कर रही थी बट वो बार बार खिसक जा रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहना दिया है और अपने मंदिर में साईं बाबा को रख दिया है। बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा है। पता नहीं क्यों साईं बाबा से मेरा, मुझे क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा के मंदिर जाना, दर्शन करना, उनको सजाना संवारना या फिर उनका फास्ट रखना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो भगवान सब जगह होते हैं, ये सही बात है, दिल में भी भगवान है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन होता है ना कि कोई एक भगवान है जो आपको मतलब ईष्ट देवता जैसे होते हैं। और ये एक और मुकुट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ये मुझे पड़ा वहाँ पर 15 रुपीज़ का, क्योंकि साइज़ के हिसाब से वहाँ पर मिलता है, तो छोटा वाला 10 रुपीज़ का, उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 20, ऐसे करके वो लोग वहाँ पे देते हैं। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं था तो मैंने ये दो ले लिए, और बस अब मैं साईं बाबा को अपने मंदिर में यहाँ पे बिठा दूँगी। आपने मेरे साईं बाबा को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे घर साईं बाबा फिर से आ गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक साईं बाबा नहीं थे मेरे घर पे मगर दिल में मेरे ज़रूर थे। और बस यही था, तो और आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे घूमने वाले वीडियो को भी आपने मतलब मेरे घूमने वाले वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग वापस आ चुके हैं, तो बस अब डेली रूटीन अपना चालू हो गया है। तो चलिए फिर अभी लंच बन रहा है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है और हम लोगों ने चाय भी पी ली है, मम्मी वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं घर पर, भैया भाभी मतलब अमेरिका में हैं तो उनसे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, छोटी बेबी है मेरे भाई की आर्या उससे बातें हो रही थी। फिर हम लोग शाम को बाहर आ गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि बस ऐसे ही मन हुआ कि चलो आज गोलगप्पे खा लेते हैं, तो मेरे घर के जस्ट पास में ही है, वहीं पर हम लोग खा रहे हैं। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और डिनर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ बन रहा है आलू गोभी मटर की सब्जी, और रोटी या पराठा जो भी खाएंगे वो बन जाएगा, आटा गूंथ दिया है मैंने। और आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि मम्मी हैं तो बहुत अच्छा है, और मैं मना भी कर रही हूँ कि आप मत बनाइए, मगर वो माँ तो माँ ही होती है, मानती भी नहीं है और बच्चों का हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होती हैं, तो बस यही है। और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि कभी कभी मुझे अच्छा लगता है आलू गोभी मटर की सब्जी के साथ गर्मा गर्म चावल, सूखी सब्जी के साथ भी चावल मुझे अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा चावल भी चढ़ा दिया है कुकर में, और इस तरह से बस हमारा डिनर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो
वेलकम बैक फ्रेंड्स। और हम लोगों का डिनर हो गया है, सब्जी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और टेस्टी थी, मतलब अच्छे से हम लोग ने डिनर कर लिया है क्योंकि कल की थकान भी है और हम लोग काफ़ी देर से कल आए थे, 12 हाँ लंच डिनर करते करते हम लोग को 12:15 हो गया था, तो बस यही है। और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। पीहू भी अभी मस्ती कर रही है, खेल रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है नानू नानी के साथ, तो इस समय नानू के साथ वो अपना स्टोरी सुन रही है, तो उसको रोज़ आजकल नानू स्टोरी सुनाते हैं तो वो डेली उनके साथ लेट करके स्टोरी सुनती है, फिर उसके बाद आकर के मेरे पास ही सोती है। मैं कहती हूँ कि चलो नानू के साथ सो जाओ, तो फर्स्ट डे तो वो लेट गई थी लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या हुआ और वो बोली नहीं मुझे नन्नू के मम्मा के पास जाना है, तो फिर वो मेरे पास आकर के लेट गई। और तो बस यही है। और चलिए फिर अब इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ। और हाँ, एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेड कलर के बटन को प्रेस करके उसके बाद घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको कल अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय।